मजदूर दिवस के अवसर पर सुपौल स्टेशन परिसर में ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति और कर्मचारी व सेवा संगठन सुपौल के सौजन्य से नुक्कड़ सभा कर मजदूरों को जागरूक किया गया। इस मौके पर राजद नेता अनोज आर्य और प्रलव यादव भी मौजूद रहे। नुक्कड़ सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों ने देश की आर्थिक स्थिति चरमरा दी है। इसका व्यापक असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है। सरकार मजदूर के हित में कार्य नहीं कर रही है, इसके लिए वे लोग तमाम मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं। देखें यह रिपोर्ट। शिक्षा कम दे दिया गया तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगा? इसीलिए कहते हैं शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। किसी भी सरकारी विद्यालय में जो दलित पिछड़ा अकलतों के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उसी का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं शिक्षा में इस तरह से, इसीलिए हम सबको कि कैसे शिक्षा में सुधार हो, इसके लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कम्युनिस्ट जितने भी साथी हैं उसी के नेतृत्व में आज किया गया है। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, किसान के साथ अव्यवहार, सतला व्यवहार जो किया जा रहा है, उसी के खिलाफ में जो है आज हम लोग का जो नुक्कड़ सभा किया गया है। जिस तरह से मजदूर को सताया जाता है, किसान को सताया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी व्यवस्था इस सरकार में सही नहीं है, इसी व्यवस्था के खिलाफ में आज हम लोग जो है नुक्कड़ सभा के माध्यम से सभी लोगों को जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या था नुक्कड़ सभा जो कार्यक्रम किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? इसे नुक्कड़ सभा का था उद्देश्य आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों के जागरण के लिए, जो ऐतिहासिक जो बलिदान दिवस है मजदूरों का, उसके याद में या मजदूर को जागरूक करने के लिए जो जो सरकार आई है, जो हिंदुस्तान की पूंजीपतियों साम्राज्यवादियों की सरकार जो है, कारपोरेटों की सरकार है, मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार, उसको आगाह करने के लिए कि यह नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के बहाने आपने जो आर्थिक स्थिति को, देश की सामाजिक ताना बाना को जो आपने बर्बाद कर दिया, यह भारत का मजदूर वर्ग, किसान वर्ग कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग इसी तरह से जागरण करते हुए पूरे मई महीना यह मई दिवस को गाँव गाँव तक ले जाएंगे, संदेश को पहुँचाएंगे और तमाम जागरूक करेंगे मजदूरों को, किसानों को और संघर्षित ताकतों को। क्या नाम हुआ? जितेंद्र चौधरी, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष।